वेलकम टू योर ओन चैनल स्टडी गाइडेंस। एसएससी ने सीजीएल 2018 के टीयर 2 की आंसर की रिलीज़ कर दी है। रिप्रेजेंटेशंस मांगे गए हैं, तो आई होप जो लोग एस्पिरेंट्स को डाउट होगा जिन क्वेश्चंस में, उसमें वो रिप्रेजेंटेशन भर रहे होंगे। कम से कम अभी हम ये तो कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को अपने रॉ स्कोर पता चल गए हैं, नॉर्मलाइज स्कोर, फाइनल आंसर की और फाइनल रिज़ल्ट टीयर 2 का अभी आना बाकी है। लेकिन जाहिर सी बात है, जिन लोगों को लग रहा है और जिन लोगों को का स्कोर ठीक ठाक है, उनको टीयर 3 के लिए फोकस करना ही है। बहुत से स्टूडेंट्स की भी क्वेरी आ रही थी, रिक्वेस्ट थी कि सर डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में कुछ बताइए। ख़ासतौर पर मैंने चूँकि 2017 का सीजीएल दिया हुआ है, तो मेरे पास एक पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और कुछ पर्सनल पॉइंट्स भी हैं और कुछ जेनरिक पॉइंट्स भी हैं जो सब टीचर्स बताते हैं और आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए, डूज एंड डोंट्स। तो उसी पर आज डिस्कशन करेंगे, ओवरव्यू लेंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर का कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे करना है सब कुछ। और ये जाहिर सी बात है, CHSL अभी संडे को ही है, इसी संडे को 29 सितंबर, तो उनके लिए भी यूज़फुल है कि वो लास्ट में देख लें। वैसे तो उन्होंने मेहनत की होगी, अगर कोई 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 पॉइंट छूट गया हो तो वो उस पॉइंट को इस वीडियो के बाद वो इंक्लूड कर सकते हैं जब वो एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो देखिए, CGL की एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट अभी जो टेंटेटिव दी गई है वो 29 दिसंबर 2019 है, जो संडे है। संडे को यूजुअली एग्ज़ाम रखा जाता है इसका। हो सकता है, वैसे देखिए, प्रीपोन होने के चांसेस तो मुश्किल हैं और पोस्टपोन होने अभी भी पॉसिबिलिटी रहती है। SSC का काम हमेशा डीले का रहा है, लेकिन मान के चलिए इस बार डेट पे हो जाएगा, वही आपके लिए बेहतर है। हाँ, 29 दिसंबर से पहले होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 25 अक्टूबर की टेंटेटिव रिज़ल्ट की डेट दी गई है, तो उससे कम से कम एक सवा महीना, डेढ़ महीना तो दिया जाता है हर हाल में। एग्ज़ाम जो है टीयर 3 का एक ही शिफ्ट होती है, तो इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा। जाहिर सी बात है, एक ही शिफ्ट में होगा तो कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है। 11 से 12 बजे के बीच में यूजुअली होता है, हमारा भी 11 से 12 बजे के बीच में हुआ था। टाइमिंग एडमिट कार्ड में बता दिया जाता है कि एक घंटा पहले आ जाइएगा, तो जिस टाइम पर बताया गया है उससे पहले ही हर हाल में पहुँचने की कोशिश करिएगा। लास्ट टाइम पर मत करिएगा, क्योंकि पिछली बार भी और अब एग्ज़ाम्स में ये SSC बहुत कड़ा रुख अपनाया हुआ उन्होंने कि वो एंट्री नहीं दे रहे हैं। सेंटर्स को बहुत सख्त ताकीद है कि वो एंट्री ना दें लेट कमर्स को, तो टाइम पे जाइए। ठीक, फिर देखिए, एग्ज़ाम जो होता है वो बेसिकली एक ऐसे होता है 250 वर्ड्स का, जो कि 50 मार्क्स का होता है, और उसके अलावा लेटर या प्रेसेस या एप्लीकेशन लिखनी होती है, जो कि 150 वर्ड्स और उसके मार्क्स होते हैं सेम 50, ऐसे के भी 50 और लेटर प्रेसेस या एप्लीकेशन के भी 50। अभी तक लेटर ही आया, प्रेसेस एज सच नहीं आया, एप्लीकेशन भी नहीं आया मैं देख रहा हूँ, जो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं पिछले सालों के। लेकिन आप तैयार रहिए, हो सकता है आपको चौंकाने के लिए, क्योंकि देखिए SSC या कोई भी एग्जामिनेशन, जब इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे, आपको SSC CGL की वेरियस पोस्ट के बारे में पता है, जब इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे वो लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो वो चौंका सकते हैं। चौंकाएं ना वो अलग बात है, लेकिन वो आपको थोड़ा बहुत तो चौंका सकते हैं, क्योंकि जो रियल जॉब आपको मिलने वाली है उनमें बहुत से सरप्राइजेज आ सकते हैं, बहुत सी न्यू टास्क आपको करनी पड़ सकती हैं। तो अभी से आप मेंटली तैयार रहिए, ठीक है? तो इसलिए प्रेसिस राइटिंग पे भी मेहनत करिए, वो भी देखिए प्रेसिस राइटिंग क्या होती है, एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। एप्लीकेशन और लेटर तो ऑलमोस्ट एक ही तरह का चीज़ हो गई, थोड़ा सा कम से कम कुछ एक फॉर्मेट में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, लेकिन प्रेसेस में ये है कि ऑब्वियसली प्रेसेस राइटिंग का मतलब होता है कि एक पैसेज होता है, उसको 1/3 वर्ड्स में या मतलब शॉर्टन करना होता है आपको उसका, विदाउट उसका मेन जो मैसेज पूरे पैराग्राफ का है, उस पैराग्राफ के मेन मैसेज को मिस किए बगैर, यानी कि जितने में वो 10 लाइनें लिखी हुई हैं वो आपको 3 लाइनों में लिख देनी है वो बात, तो वो प्रेसेस राइटिंग होती है। उसके लिए भी ऑब्वियसली काफ़ी प्रैक्टिस करनी होती है। लैंग्वेज जो है दो अलाउ की जाती हैं, एक इंग्लिश और एक हिंदी, या तो आप इंग्लिश में लिखिए या हिंदी में लिखिए, लिखिए एक ही लैंग्वेज में लिखना है,
ये अंडरस्टूड सी बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे किसी और लाइन ऐसे इंग्लिश में लिख रहे हैं या लेटर हिंदी में लिख रहे हैं, ऐसा मत करिए। दोनों इंग्लिश में लिखना है, दोनों हिंदी में लिखना है। और यहाँ जहाँ पर आपको एग्ज़ाम आंसर शीट में आपको पूछा जाए, मतलब जहाँ पर लैंग्वेज का वो हो कि लैंग्वेज क्या कौन से लिख रहे हैं, वो मेंशन ज़रूर करिएगा। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि 2016 में CGL जब हुआ था, फर्स्ट टाइम लोगों को पता नहीं था इतना अच्छे से, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते हैं। देखिए, एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए, एक बेसिक आइडिया है। जो जो मेन पॉइंट्स बताए जाते हैं, उन मेन पॉइंट्स को जो है आप ज़रूर गौर से सुने। जो एक सेंटर पे जो जो पॉइंट्स बताए जाए आपको, वहाँ एग्जामिनर जो जो पॉइंट बताए वो आप गौर से सुनिए। तो हुआ ये था कि कुछ लोगों ने अपना लैंग्वेज किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो नहीं मेंशन किया था, तो SSC ने उनकी कॉपी ही रिजेक्ट कर दी थी, मतलब 0 नंबर दे दिए थे। फिर वो कोर्ट गए, कोर्ट ने अलाउ करा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, इस ग्राउंड पे कि पहली बार हुआ है, स्टूडेंट्स ने गलती कर दी, चलो छोड़ दो। तो इतनी परेशानी झेलने की क्या ज़रूरत है, अकल से चलिए, अकलमंदी दिखाइए, सारे रूल्स को फॉलो करते हुए चलिए, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं 33% आपको लाने ही होते हैं, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर है तो आपको 33 तो लाने ही हैं। अगर आपके नंबर एग्जामिनर को लगता है कि उसने आपको लेट से 25 नंबर दिए बस सब मिला के, तो उसमें क्या होगा कि आपको फेल हो जाएंगे। भले ही आपने कितना भी अच्छा किया हो Tier 1 और Tier 2 में, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आप SSC की रेस से बिल्कुल आउट हो जाएंगे। तो आपने जितना भी अच्छा किया हो Tier 1 और Tier 2, आपको क्वालिफाई तो करना ही है। क्वालिफाइंग मार्क्स लाना बड़ी बात नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। अगर आपने तमीज़ से लिखा हुआ है, सही से किया हुआ, आपने कुछ ऐसा नहीं कि अब जाहिर सी बात है आप लेटर छोड़ देंगे या ऐसे आधे में छोड़ देंगे, तो वो जो है फिर आपका काउंट नहीं होगा, जाहिर सी बात है। या उसमें इतनी ज़्यादा काटपीट कर दी, या इतना गंदा लिखा कि कुछ समझ में ही नहीं आया। किसी की हैंड राइटिंग इतनी गंदी है, वैसे मेरी भी हैंड राइटिंग गंदी है, लेकिन इतनी गंदी हैंड राइटिंग लिखी कि समझ में नहीं आया। तो हो सकता है किसी को क्वालिफाइंग मार्क्स भी ना दिए जाएँ, लेकिन यूजुअली जो है CGL में मैंने देखा है मिनिमम मार्क्स मतलब 40-45 तो हर हाल में मिल ही जाते हैं। एवरेज लोगों को 50-55 मिल ही जाते हैं, थोड़ा सही लिखा होता है तो 60-65 वाली रेंज, अच्छा लिखा होता है तो 70-75-80, और 80 का मतलब प्लस है तो मतलब बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा एक्सेलेंट में लिखा हुआ है। मेरा जो स्कोर था वो 73 था, मेरे काफ़ी दोस्तों का 62-70 के बीच में बहुतों का स्कोर था, कई का मेरे से ज़्यादा भी था, 75-77 मेरे अपने सर्किल में। बाकी और सर्कल्स में और लोगों में तो शायद 80+ भी काफ़ी लोगों का रहा हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मतलब जो रेंज मेन जो भीड़ है हमारी, वो जो है ऑसिलेट करती है 50-60 के बीच में, जो 50-60 या 65 कह सकते हैं, 65 से ऊपर वाले मतलब एक्सेप्शनल अच्छे स्टूडेंट्स में से अच्छे स्कोरर्स, कम से कम उनका मतलब अच्छी परफॉर्मेंस कह सकते हैं। आंसर शीट जो आपको मिलती है वो प्रॉपर ब्लैंक, अभी तक ब्लैंक नहीं मिल रही है हम लोगों को, कि जिस तरीके से हमने एग्ज़ाम अपने स्कूल कॉलेज के टाइम पे जो आंसर शीट्स होती थी, वैसी वाली आंसर शीट नहीं होती है। आंसर शीट इस तरह की होती है कि 12 पेजेस दिए जाते हैं और शीट में, और एक पेज में 4 कॉलम्स होते हैं, 14 रोज होती हैं तकरीबन, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरह से दिया जाता है, इन बॉक्सेस में लिखना होता है आपको। तो मैं आपको आने वाली वीडियो में, कोई मेरे पास मुझे मिल जाए, मैंने अपनी RTI डाल के अपना वो नहीं निकाली कॉपी, लेकिन मैं एक दो वीडियो शेयर कर दूंगा रेफरेंस के तौर पे, या आप भी सर्च करिएगा डिस्क्रिप्टिव पेपर के लोगों के आंसर की आंसर शीट्स, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि वर्ड है तो वर्ड लिखना है, जैसे लॉन्ग है और कॉमा भी लिखना है या फुल स्टॉप करना है वहाँ पर, तो उसी बॉक्स के अंदर करना है। कॉमा के लिए या इस तरह के साइंस के लिए अलग बॉक्स इस्तेमाल नहीं किया जाता है, एक दो बॉक्स छोड़े जाते हैं नई लाइन के लिए अगर पैराग्राफ चेंज करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो ट्रेंड है वो ये है कि सिंपल टॉपिक्स फॉर आस, लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग ऐसे टॉपिक्स नहीं थे कि आप ना कर पाएं। मतलब स्टूडेंट्स जिन्होंने Tier 1 क्वालिफाई किया हुआ है, Tier 2 क्वालिफाई किया हुआ, तब जाके Tier 3 के लिए आए हैं, तो उनसे जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि इन इन जिन टॉपिक्स के बारे में बेसिक नॉलेज तो हुई बिल्कुल, कि हाँ इतना क्वालिफाई करके आया तो ऑब्वियसली इतना तो जानता ही होगा, ऐसे टॉपिक्स दिए गए हैं।
जैसे मैं बताता हूँ कि CHSL 2016 से स्टार्ट किया, तो ऐसे जो था उस टाइम पे स्वच्छ भारत अभियान था, स्वच्छ भारत मिशन। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो आप लिख ही सकते हैं इसके बारे में, थोड़ा पढ़ के लिखेंगे तो और अच्छे से लिख लेंगे, वरना कुछ भी नहीं आता है तो कुछ चीज़ें तो पॉइंट्स आप लिख ही देंगे कि सैनिटेशन की ज़रूरत है और टॉयलेट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा खर्चा होता है हेल्थ के ऊपर, अगर हम हेल्थ को सुधार लें तो बहुत सारा खर्चा बचाया जा सकता है, प्लस जो है क्लीनलीनेस रहने से मतलब अच्छा भी लगेगा, ये सारी चीज़ें आप स्वच्छ भारत में लिख सकते हैं, कुछ भी ना आता हो तो। ठीक है, लेटर था उस टाइम पे 2016, चूँकि ओलंपिक्स हुआ हुआ था, तो ये था कि स्पोर्ट्स सेक्रेटरी को बताने के लिए कि साहब एक लेटर लिखिए कि किस तरीके से इंडिया जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है आने वाले टाइम पे, क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाए जाएँ स्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, चीज़ों में, स्पोर्ट्स के मामले में, कि हम जो है ज़्यादा मेडल्स ला पाएँ, हमारा परफॉर्मेंस बेहतर हो पाए। तो थोड़ा बहुत पढ़ेंगे आप कि इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, बच्चों को स्टार्टिंग से लेके चलने की ज़रूरत है, जैसे चाइना ने लिया, इस तरह के पॉइंट आप कह सकते थे। तो ये भी एक टॉपिक, जनरल टॉपिक था, ओलंपिक हुआ हुआ था, ओलंपिक एक मेजर इवेंट होता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप एक मेजर इवेंट है 2019 का, तो एक बार को वैसे मुश्किल है क्योंकि इस पैटर्न पे 2016 में आया तो शायद रिपीट ना हो, वरना 2019 पे इंडिया के परफॉर्मेंस पे एक बात हो सकती है, या इसी तरह का कोई टॉपिक कोई इस साल तो नहीं है, नेक्स्ट ईयर होने वाले हैं ओलंपिक अगेन, तो ओलंपिक्स के लिए कुछ बात हो सकती है फिर से। तो ये वैसे प्रोबेबिलिटी कम है, मैं आपको एक अंदाजे के तौर पे बता रहा हूँ। CGL 2016 में क्या हुआ था कि CGL 2016 में जब हुआ था तो ये था सिंपल कि एक ऐसे लिखना था कि आप अपने किसी जानने वाले को बता रहे हैं, या सिंपली कि अर्थक्वेक आ रहा है, जब भूकंप आ रहा है तो उस टाइम पे क्या सेफ्टी के लिए क्या किया जाए और क्या चीज़ें ना की जाए, डूज एंड डोंट्स बताइए। तो आपने डिजास्टर मैनेजमेंट को बेसिक पढ़ा हुआ है तो आप वो उसके बारे में लिख सकते हैं, कोई लिखने में बहुत बड़ी बात नहीं है। लेटर क्या है कि आप लेटर में था कि आप अपने यंगर ब्रदर को बता रहे हैं फ़ायदे और नुकसान, प्रोज एंड कॉन्स कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट के, तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए लेटर का कि पर्सनल लेटर किस तरह से लिखा जाता है, और बॉडी आप में, बॉडी में आप प्रोज एंड कॉन्स बता दीजिए बेसिक बेसिक, ये फ़ायदे दिखते हैं, ये नुकसान दिखते हैं। फिर 2017 CGL हुआ है हमारा, जो मैंने दिया था वो सिंपली डिमोनेटाइजेशन पे था। हुआ देखिए, हुआ है 6 जून को 2018 में, और डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में नवंबर में, तो हुआ तो कम से कम ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले, लेकिन डिमोनेटाइजेशन अपने आप में इतना बड़ा मुद्दा था कि वो उस पे टॉपिक पे जब हुआ है कि नोटबंदी नोटबंदी नोटबंदी, तो इसके बारे में पूछ लिया गया, और क्वेश्चन जो एक्चुअली फ्रेम किया गया वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि रेलिवेंट अब है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया कि डिमोनेटाइजेशन के हाउ फार डिमोनेटाइजेशन हैज़ अचीव्ड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, कि कितने प्राप्त कर लिए, जो ऑब्जेक्टिव्स थे डिमोनेटाइजेशन के बताए गए थे सरकार के द्वारा, सरकार ने जो जो बताए, तो उनको डिमोनेटाइजेशन के कितने ऑब्जेक्टिव्स को हमने अचीव कर लिया, तो उसके आफ्टर इफेक्ट के बारे में पूछा गया, तो ये इसलिए रेलिवेंट था ही बिल्कुल, भले ही 1.5 साल पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ था। फिर ये था कि एक सिंपल सा लेटर था कि अगर आप हैं कोई आपने आप सेलेक्ट हो गए हैं किसी पोजीशन के लिए, और आपसे कहा गया कि इमिडिएटली ज्वाइन करिए, और आप इमिडिएटली ज्वाइन नहीं कर सकते, कुछ टाइम के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर सम रीज़न, तो आप डेट ऑफ लेटर लिखिए अपने सीनियर को टू एक्सटेंड द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो ये भी एक सिंपल सा था CHSL 2017 में, कि आप अपने यंगर ब्रदर को लिखिए कन्विंसिंग हिम टू लीव ऑल द डिस्ट्रैक्शंस असाइड एंड सजेस्टिंग हिम टू फोकस ऑन हिज स्टडीज टू हैव अ बेटर कैरियर, अपने छोटे भाई को बताना है, ठीक है, कि आप जो है अच्छे से पढ़ो अदर कैरियर को अच्छे से बनाने के लिए। टॉपिक दिया था ओल्ड एज एंड सोशल सिक्योरिटी, बुढ़ापा और सोशल सिक्योरिटी, यानी कि क्या क्या उनको सिक्योरिटी मतलब पॉलिसीज़ क्या रहनी चाहिए उनके लिए, क्योंकि आदमी बुढ़ापे के अंदर जाहिर सी बात है दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाता है, अपने आप से सारे काम नहीं कर पाता है, तो उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी की क्यों ज़रूरत है उन्हें।
तो ये टॉपिक्स थे अभी तक जो आए हैं डिस्क्रिप्टिव में। अब देख लेंगे CHSL में भी क्या टॉपिक आता है, CGL वालों को वो भी देख लेना। वैसे ट्रेंड यही है, अब इतने सारे कितने हो गए, चार पेपर्स में जितने भी टॉपिक्स आए हैं वो ऐसे टॉपिक्स आए हैं जिन पे आप लिख सकते हैं। तो इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत आपसे कोई टिपिकल टॉपिक पूछ लिया जाएगा, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेम्बर में क्या है, पॉइंट्स टू रिमेम्बर में कई पॉइंट्स हैं, जैसे आपको हर तरह का लेटर आना चाहिए, जो जो मेजर तरह के लेटर के टाइप्स होते हैं, एप्लीकेशन के टाइप्स, ऐसे कई तरह के होते हैं, तो आपको थोड़ा सा उनको पढ़ेंगे तो ये पढ़िए कि किस तरीके से सोशल इश्यूज़ के टॉपिक्स को लिखा जाता है, पॉलिटिकल इश्यूज़ के टॉपिक्स, इकोनॉमिक इश्यूज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल, ये इन्वायरमेंटल, ये जितने हैं अलग अलग तरह के जो एसेज हैं उनको लिखने का तरीका हल्का हल्का थोड़ा अलग होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। और वो आप जब प्रैक्टिस करेंगे, जब रेफरेंस, अच्छे रेफरेंस आर्टिकल्स, एसेज पढ़ेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से लिखना है। वो मैं भी थोड़े आने वाली एक दो तीन वीडियोस में मैं भी आपको बताने की कोशिश करूँगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर से रिलेटेड जो मैं वीडियोस बनाऊँगा। तो अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर फॉर्मेट को आप बहुत अच्छे से फॉलो करिए, फॉर्मेट पे आपको फोकस करना है। लेटर में तो फॉर्मेट ही एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, और ऐसे जब मैं आपको बताऊंगा ऐसे और लेटर राइटिंग के नेक्स्ट वीडियोस में, तो मैं आपको एक RTI डाली गई थी कि CHSL में किस तरीके से 2016 में इवैल्यूएशन हुआ ऐसे राइटिंग का और लेटर राइटिंग सेक्शन का, तो उससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि फॉर्मेट की अपनी इंपॉर्टेंस है, फॉर्मेट के नंबर्स होते हैं। अगर आपने फॉर्मेट को सही से फॉलो कर लिया तो आपको ऑलमोस्ट पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे उसके अंदर। तो फॉर्मेट के इम्फेसिस के बाद एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट, वो ये है कि डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट। जो वर्ड लिमिट 250 वर्ड्स और 150 वर्ड्स की दी हुई है उसको आप एक्सीड करते हैं, 10% का तो टॉलरेंस है, यानी कि 25 वर्ड्स कम या ज़्यादा टू एसे में और 15 वर्ड्स कम या ज़्यादा लेटर में, लेकिन उसके बाद छोटा लिखेंगे तो चलो नंबर नहीं कटेंगे। अगर 225 से छोटा लिखा तो नंबर कटेंगे, जाहिर सी बात है कि आपने लिख ही नहीं पाए। अगर आप 225 ही लिखा एग्जैक्टली तो टेक्निकली आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने 275 तक लिखा तो भी नहीं कटेंगे, लेकिन अगर 275 से ज़्यादा किया तो ये मेंशन था उस RTI के अंदर नंबरिंग की कि आप, मतलब वो बाकी के जो वर्ड्स लिखे हैं वो स्ट्रक ऑफ कर दिए जाएंगे, वो काउंट ही नहीं होंगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं है उनको लिखने का। और प्लस ये भी होता है कि जो स्पेस दिया जाता है आंसर शीट में वो बहुत बहुत कैलकुलेटेड दिया जाता है, मतलब उसमें आप एक्सीड कर ही नहीं पाएंगे, स्पेस ही नहीं दिया जाएगा। एसे के लिए अलग स्पेस है और लेटर के लिए अलग स्पेस है, आप कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं मांग सकते, आप कोई एक्स्ट्रा, आपको शीट नहीं मिलेगी ना एक्स्ट्रा पेपर कुछ मिलेगा, तो आपको वर्ड लिमिट बिल्कुल भी एक्सीड नहीं करनी है। फिर ऐसे राइटिंग के लिए जो आपको करना है वो ये है कि न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, मैगजीन लिखा हुआ मैगजीन्स लिख लीजिएगा, एडिटोरियल्स, ये आप रेगुलरली पढ़िए जब तक आपका एग्ज़ाम होता है। क्योंकि हो सकता है कि अभी देखिए टॉपिक्स जितने भी आपको दिए जाएं, जो भी मैं भी बताऊंगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा भी हो सकता है आने वाले टाइम पे अभी 1-2 महीने में कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल आए जिस पे एग्ज़ामिनर को लगे कि इस पे पूछना चाहिए स्टूडेंट को, तो इसीलिए रेगुलरली आप एडिटोरियल्स को पढ़िए, मैगजीन्स को पढ़िए, पॉइंट्स लिखिए उसको भी अगर लगता है कि इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं भी बताने की कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम पर अगर कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल आए जो कि इंक्लूड नहीं हुए बुक्स में, जो ऐसे की बुक्स लिखी गई हैं, एक एक बुक तो ख़रीद ही लेनी चाहिए ऐसे की और लेटर राइटिंग की आपको। फिर यही है कि जितना आप देखिए रिटन है, तो रिटन का मतलब तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करेंगे जितना उतना ही ज़्यादा जो है आपका अच्छा होगा, ठीक है। फिर ये आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर एसे मैंने सोचे हैं, जो मुझे भी लगा और भी काफ़ी लोगों को देखा मैंने,
कि सब क्या बता रहे हैं। तो उसमें से कुछ है, GST इम्पॉर्टेंट है, डिजिटल इंडिया इम्पॉर्टेंट है, आयुष्मान भारत ये एक नई स्कीम है तो ये इम्पॉर्टेंट है, चंद्रयान 2 इसरो मिशन पूरा, आर्टिकल 370 इम्पॉर्टेंट हो गया है, NRC द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, PM किसान स्कीम, यूनिफॉर्म सिविल कोड, साइबर क्राइम, कास्टिज्म, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, गुड गवर्नेंस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट मॉडल। टाइप्स ऑफ लेटर्स होते हैं ये, देखिए ये जो आपको टॉपिक्स दिए गए हैं ये ऐसे के इस ऐसा नहीं कि इसके अलावा नहीं पूछा जा सकता, इसके अलावा भी बिल्कुल पूछा जा सकता है। फिर है टाइप्स ऑफ लेटर्स में, ये इनफॉर्मल लेटर होते हैं, पर्सनल लेटर, सोशल लेटर, फॉर्मल लेटर में लेटर टू द एडिटर होता है, कंप्लेंट एंड सजेशन लेटर्स होते हैं, एप्लीकेशन राइटिंग है, बिजनेस लेटर्स है, ऑफिशियल लेटर्स है, रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन लेटर्स होते हैं अलग, ईमेल भी एक है, मतलब जो बुक में दिया हुआ है एक मेंशन किया हुआ है, वैसे शायद ही आपसे ईमेल से रिलेटेड पूछे, लेकिन हो सकता है एक बार को पूछ लिया जाए। बुक्स रिकमेंडेड जो हैं वो एसे के लिए 151 एसे बाय अरिहंत पब्लिकेशन है, ये UPSC के एसेज, लेकिन इससे आपको मेजर पॉइंट्स मिल जाएंगे किसी पॉलिसी या उसके कि किस तरीके से लिखा जाए आपको, वो तो बड़े ज़्यादा वर्ड्स में, बहुत ज़्यादा वर्ड्स में, लेकिन आपको इतना हो जाएगा कि आप जो है 250 वर्ड्स लिख लें, इतना मटेरियल आपको मिल जाएगा इनसे। हिंदी में निबंध माला करके है ये अरिहंत पब्लिकेशन की, निबंध मंजूसा टाटा मैग्रो हिल की है, अगर लेना इन दोनों में से एक ले लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है दोनों लेने की अगर हिंदी में कर रहे हैं तो। लेटर राइटिंग में अ हैंडबुक फॉर लेटर राइटिंग बाय अरिहंत पब्लिकेशन है इंग्लिश में, और आधुनिक पत्र लेखन बाय अरिहंत पब्लिकेशन हिंदी में। तो ये दो, एक मतलब एक ही है ये इंग्लिश में और हिंदी में ऑलमोस्ट, तो आपको पत्र आपको लिखना आ जाएगा, लेटर राइटिंग के बेसिक रूल्स और सारे फॉर्मेट और किस तरह से लिखा जाता है, क्या सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं पर्सनल में, प्रोफेशनल लेटर्स में, तो आपको पता चलेगा। तो ये चीज़ थी एक ओवरव्यू, आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए, आप एक दो वीडियोस जैसे मैंने कहा कि आगे आने वाले टाइम पे मैं डिस्क्रिप्टिव पेपर से रिलेटेड भी आपको दूंगा, तो आप उसका इंतज़ार करिए। अभी के लिए इतना ही, टेक केयर, गुड बाय।